Substitute Chairman Nikon, cada un supremo prelaman. Ashrame harane mangale karame, Shri Dev Chandra ji naam. Shri Pranayat Dije Mool Pati, Shri Mehra Kishunam, Tehne Umay Shama Yudhaya Kho, Pad Pad Kharun Pranam. Meri Bhava Dharu, Radhe Nagar Shyam, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होते निधान चर्चा प्रारंभ हो गए सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा श्री प्राण नाथ सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का करते अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तख लाल आगे आए बैठे इन तख कल हमने सुनाया था कि रासलीला के बाद
दो लोग की शक्ति रह गई थी। वो कितने दिन रही थी? ग्यारह दिन रही थी, समझे? ग्यारह दिन में उन्होंने क्या किया था? सात दिन गोकुल में गए थे और चार दिन मथुरा में। गजमर्ष को गजमर्ष कंस को कार्य कियो, उग्रसेन को टीका दियो। यादि थे भय अवतार, तब कृष्ण विष्णु में भय नहीं था। वो श्री कृष्ण जो थे, ग्यारह दिन तक दो लोग श्री कृष्ण की लीला मानी जाती है। और कारागृह में दर्शन दिए, जिन आए छाए भग से जिन कारागार में वसुदेव देवकी को श्री कृष्ण के जन्म होने से पहले दर्शन दे के कहा था कि अब तो बेटा हमारा प्रकट होगा, उसको गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दे। तो कारागृह में दर्शन दिए, जिन विष्णु भगवान ने वसुदेव देवकी को दर्शन दिया था, आए छाए भग से थे। अब वही स्वरूप विष्णु भगवान का, जब विष्णु स्वरूप रह गए तो जेल से माता पिता को मुक्त किया, जेल से निकाला। कंस ने नहीं निकाला अपने जीवन में, 40 साल तक बंद रहे थे जेल में। 40 साल स्वामी जी की वाणी कहती है, नू काफर की बंद में रहे साल 40, बेटे मारे गए दुख दिए तो भी काफर न छोड़ी बीच। ग्यारह दिन तक दो लोग भगवान की लीला है, फिर उतारो भेष की दो स्नान। श्री कृष्ण ने ग्यारह दिन के बाद अपना ग्वाला भेष उतार दिया। जब राजमागे उठती उसे निगार का बल पराक्रम न रहने लगा, राजसी भेष धारण कर लिया और वो कपड़े उतार करके नंद बाबा को दे दिए कि जाओ जसोदा माता को दे देना। और उन वस्त्रों के साथ साथ ही दो लोग की शक्ति कहां चलेगी? गोपियों के अंदर प्रवेश कर देगा। जब जो ज्ञान देने गए थे गोपियों ने माना नहीं, ऐसा करके ग्यारह दिन लीला गौ लोग की मानी जाती, बाकी विष्णु की लीला है। एक प्रश्न और है, हमने कल कहा था कि पुराण में लिखा है छह दिन हो जाएंगे तो क्यामत हो जाएगी। छह दिन कौन कौन से हैं बताओ? बोलो भाई बोलो, कुछ बोलोगे तो हमें सुनाई देगा। एक ब्रज का, रास का दो, तीन, चार, पांच, छठे दिन की लीला चल रही है। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, कल आया था कि 120 वर्ष, 120 वर्ष कहां से कहां तक होते हैं और 120 वर्ष में स्वामी जी ने क्या किया? हाँ जी, बताओ क्या पूरा भाई? चुप हो रहा है। देवचंद जी के जन्मदिन से लेकर और प्राणनाथ जी के जन्मदिन तक और उसमें सात साल ठीक ऐसा है। विक्रम संवत 1638 में सतगुरु देवचंद्रनाथ का जन्म हुआ, उस समय ब्रह्मशिर जी तक के आए, वहां से लेकर के 1638 से लेकर के और 1758 तक 120 वर्ष होते, सात साल छत्र साल के देते।
इसमें क्या हम ब्रह्म से चिंतन के आए तारतम उतरा वाणी उतरी, ये हुआ 120 वर्ष के अंदर। कोई तुमसे पूछ दे प्रश्न करते तो तुमसे तुम बताओगे तो यही कहो तो पता नहीं क्या बात रहा था, हमें कहीं समझ में आती थी कुछ। छोटी पर तो वहां साधु महात्मा बहुत देखे थे, देखे बीच विदेश रास्ते में देखे थे, बात तब की मन में रहे, मन में उनके दिल में थी सतगुरु महाराज के कि अगर मैं कहीं वहां चला जाऊं जहां पिताजी के साथ गया तो वहां जरूर संतों के दर्शन होंगे और हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा सोच करके मैं जाऊं कच्छ में चला जाऊं किसी तरह तो मैं भगवान को पा लूंगा, ऐसा देवचंद जी मन में सोच रहे घर में। कहां जाके खोज करो, वहां जाकर के खोज करूंगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस मालिक ने भेजा, मैं कैसे मिलेगा। ऐसा सोच करके में के परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, घर में खटपट रहे, घर में खटपट रहे, अकेले बालक था घर में खटपट रहती थी, मन में सोचते थे कि परदेश में निकल जाऊं किसी साधु महात्मा की संगत करके परमात्मा की प्राप्ति करूं। कबीरा संगत साधु की, कबीरा सतगुरु साधु की, सारे में आ गए याद, लेखे में वही घड़ी माँ की दिन भर पा। सोचते हैं कि मैं किसी तरह बाहर निकल जाऊं तो जाके परमात्मा की प्राप्ति कर लूं, घर में खटपट रहती थी, कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा बाबा बन जाए, कोई नहीं चाहता, बाबा बन गया तो बस छाती पीटेंगे, इसने तो सत्यानाश कर दिया, चोर बन जाए, शराबी बन जाए, डकैत बन जाए, वो मंजूर है, परमात्मा ना माने, ऐसी दुनिया है। तो माता पिता चाहते थे अच्छी शिक्षा देना चाहते थे कि भाई पढ़े लिखे कर घर का काम संभाले, पर इनका देख करके बैराग मन में चिंता होती है, मन में रहे बैराग, इनके मन में बैराग था परमात्मा के पाने के लिए, दुनिया से बैर रहे, दुनिया से कहते बैर रहता था, उन्हें देखे लगे आग, माता पिता को देखने से आग सी लगती थी कि ये अभी इतना छोटा है और महात्माओं जैसा ये अपना करता है, सुबह सुबह उठ जाएगा, 3 बजे नहाएगा धोएगा, मंदिर जाएगा, परिक्रमा करेगा, ऐसे उनको नहीं अच्छा लगता था। बहुत शिक्षा देते, बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम पढ़ो लिखो, बड़े हो जाओ, अपना काम संभालो, अभी ये उम्र नहीं जो तुम कर रहे हो। थके सबको, कोई समझा के थक गए हैं, ये फिराए जो फिरे, ये किसी तरह उधर से मुड़ जाए, इसके अंदर बैराग आ गया है, मंदिर में जाता है, साधु महात्माओं के पास बैठा रहता है, किसी तरह उधर से इसका दिमाग इधर लग जाए तो ठीक रहेगा। कहे तब जावे कोई, कह करके कोई समझा दो, श्री देवचंद जी के मन में, सतगुरु देवचंद जी के मन में लगी हुई है कि यहाँ से तो बाहर निकल जाऊं कहीं परदेश में तो शांति से भजन तो करूंगा, यहाँ तो घर वाले तो टोकते ही है, तो टोला मोहल्ला भी हमारी को टोकते मजाक उड़ाते, ऐसा सोच रहे हैं। जाओ कहो विदेश, कहीं परदेश में मैं चला जाऊं, कहां जाके खोज करो, वहां जाके खोज करूंगा परमात्मा की कि कैसे मिलेगा, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, इस चोला पाने के लिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए तो मैं स्वर्ग से और आगे बढ़ जाऊं, और हम मनुष्य जीवन पा करके ऐसा जीवन जीते हैं, ये कोई जीवन नहीं होता, ये कोई जिंदगी नहीं होती, ऐसे तो कुत्ते बिल्ली स्वर्ग आदि सब पेट भरते, हम भी पेट भरते, पर ये परमात्मा को पाने के लिए चोला मिला हुआ है और हम ऐसे ही गंवा देते, आजकल करते करते 100 साल का जीवन मट्टी में मिला देते,
क्या सोचते हैं वो? कोई मोहे दे उपदेश, हमें कोई ऐसी रास्ता बता दे जो मैं यहाँ से निकल के चला जाऊं। पूछत फिरे सब खोलो, सब जगह पूछते थे कोई परदेश जाता हो तो बताना भाई, हम भी जाएंगे, ऐसा पूछते रहते थे। कोई मुझे बता मेरा कोई रास्ता बता बाहर जाने की, या समय राजा उमरकोट का, या समय राजा उमरकोट। इस समय कहते उमरकोट का जो राजा था उसके बेटे की शादी होनी थी कच्छ में, बारात जानी थी, इनको पता चल गया है। ताको वजीर जायता है, उसका वजीर जा रहा था बारात के करके खाना पिवाने को, खाना पिवाने के लिए जा रहा था, जाता था कच्छ में, कच्छ में राजा के लड़के की बारात लेके जानी थी वजीर ने, इनको पता चल गया सरकुन देवचंद जी महाराज को। दो से अठारह एक बाल है, हाँ, कितनी बारात थी, 200 सवार थे, ऊंटों पर घोड़ों पर, और एक बैलगाड़ी थी जिसमें सामान खाने पीने का रखा था, ऐसे था। उतावले पहुंचने और जल्दी जाने की तैयारी कर रहे थे। श्री देवचंद जी ने चुनी, सरकुन देवचंद जी महाराज को पता चला कि राजा की कल बारात जानी है, तो वजीर से जाकर मिलने जाते हैं। वह पूछने दिन से वजीर के पास जाते हैं देवचंद जी महाराज पूछने कि भाई आप बारात लेके जाओगे तो हमें भी लेते चलना साथ में। इन वजीर से बातें करी, वजीर से बातें करी थी, हम कच्छ जाएंगे, हम कच्छ में जाएंगे, हमको भी लेते चलो। तब पूछा उन्होंने, तब वजीर ने पूछा ठीक है चलो बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं, पर तुम्हारे पास सवारी क्या है? क्या सवारी तुम्हारे, तुम्हारे पास क्या सवारी है? हम संग क्यों पहुंचोगे? सरकुन देवचंद जी महाराज बोले भाई हमारे पास सवारी कोई नहीं, तो पैदल चलूंगा, हमारे पास सवारी कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर मेरे साथ नहीं आना, हमारे साथ तुम कैसे पहुंचोगे, हमारा तुम्हारा क्या नेम है, तुम पैदल चलोगे, हम घोड़ों से चलेंगे, हमारे साथ नहीं आना। प्यादे अश्वारों के, प्यादे अश्वारों के, अश्वारों के साथ पैदल आदमी कैसे चल सकता, कितना चलेगा, ऐसा वजीर ने मना कर दिया। तब कहया श्री देवचंद जी, जब मना कर दिया कि हमारे साथ नहीं आना भाई, कल को तुम कहीं गुम हो गए, कहने होगा कि वजीर के साथ गया था इनका लड़का पता नहीं कहाँ चला है, इसलिए हमारे साथ नहीं आना। तो सरकुन देवचंद जी महाराज ने सोचा जब ये जाने नहीं चाहते इनसे क्यों पूछूं बार बार, इनकी बारात जाएगी आगे आगे, अब पीछे पीछे चला जाऊंगा, ऐसा सोच लिया। हम चले आएंगे, हम चले आएंगे, तुम चिंता ना करो। उन्होंने बरजे, वजीर ने बरजे मना किया कि मेरे साथ नहीं आना, जिन आओ संग हमारे, हमारे साथ नहीं आना, हम नहीं ले चलेंगे तुम्हें। तब श्री देवचंद जी विचारिया, तब श्री देवचंद जी विचारिया, तब सदगुरु देवचंद पर विचार करते क्या कहते हैं, मैं काहे पूछो इन्हें, मैं क्यों पूछूं, जब तब देवचंद जी विचारिया, देवचंद जी क्या विचार करते हैं, मैं क्यों पूछूं, जब ले जाना नहीं चाहते हैं तो क्यों बार बार इनके विनती करूं, ये बारात आगे जाएगी हम पीछे पीछे चलता हूँ, ऐसा सोच करके पीछे चला जाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा अपने पैरों के बल से, अपने पैरों से, अपने पैरों से चला जाऊंगा। भलो जाए के साथ को, भलो जाए के साथ को, पता चल गया आज बारात जानी है, तो सतगुरु देवचंद जी महाराज अपने घर में तैयारी करने लगे, क्या करते हैं, राह की लेने लगे, राह की लेने लगे, मन में सोचते हैं कि भाई नाव धोऊंगा तो कपड़े बदलने के लिए चाहिए, कपड़े एक जोड़े डाल दिए, और खाने पीने पता नहीं कोई दे ना दे तो खाने पीने का सामान भी दाल आटा जो चुपके से बांध दिया, ऐसे करते हैं। थाली कटोरा लोहड़ा बनाने के लिए बर्तन भी चाहिए, तो थाली ले ली, कटोरा ले लिया, लोटा ले लिया, ऐसा एक गठरी सी बना के बांध रहे हैं, और लोटा जल के, और एक लोटा ले लिया, एक ऊंचा कमर को, एक छोटी सी तलवार वो भी ले ली, कोई बदमाश मिल गया रास्ते में हमें लूटेगा तो मैं मार दूंगा, बचपन है ना, जैसा बुद्धि काम कर रही है उसे घर
कर रहे हैं और कपड़े पहन के पकड़ने के लिए कपड़े डाल दिए बकुचा बांध के यार भाई एक गठड़ी बना दी गठड़ी बांध के और एक कोने में चुपचाप रख दी। माता पिता को कुछ पता नहीं कि क्या कर रहा है ये चुपके चुपके बांध करके कोने में रख दी। जो पैसे घर में मिले वो भी रख दिए हैं हर चीज बांध दी तीन में उनमें पैसे बांध दिए ये तो साथ कौन रहे दोपहर का भोजन करके और लेट गए। माता पिता को गर्मी का मौसम था ये पंखे थे नहीं जमाने में। माता पिता बाहर बैठे हवा में दरवाजे पर ही अंदर में लेट गए हैं। पिछला दिन रहिया घड़ी चार शाम को चार बजे राजा की बारात जाने लगी बाजे बजने लगे तोपे चलने लगी झंडे फहराए जा रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि भाई बारात तो जा रही पर तुम भी तैयार हो जा तो ये भी खड़े हो गए। बारात तो सब अपनी चलती वहां चार बजे शाम को गर्मी का मौसम था तो बारात तो सब चार बजे चल देती वहां से। ये करने लगे बेचारे अभी ये कभी अंदर जाते कभी बाहर जाते अंदर बाहर कर रहे हैं कि माता पिता इधर उधर हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा गठड़ी लेके चलूंगा तो कहेंगे क्या ले जा रहा है कहाँ जा रहा है जाने नहीं देंगे। इसलिए चक्कर काटते हैं कि माता पिता हटे और मैं यहाँ से निकलूं। कमर बांधते बांधते तैयारी करते करते एक घंटा लेट हो गए कछुलो ढील हो गई तो एक घंटा लेट हो गए। जब माता पिता थोड़े इधर उधर हुए तो अपनी दवाई गठड़ी और फटाक से निकल गई चल देते वहां से चले गए। अब एक घंटा पहले निकल गई बड़ा घोड़ों पर सवार ऊंटों पर एक घंटा बाद में निकल पाए पर इनको पता है कि इधर को बारात गई है कुदली को जा रहे हैं हम ये पीछे चले जाए तीन बड़ी तेजी से जा रहे हैं कहीं भागने लगते कहीं लपक चलते जा रहे हैं जब बारात का साथ नहीं पर नहीं ले सकते थे चले तो उतावले चले अति उतावले बड़ी तेजी से चल रहे हैं मन में पहुंचो धाय मन में पहुंचो धाय मन में किसी तरह मैं इनको साथ ले लूं ऐसा तेजी से चल रहे हैं। वे अश्वार पे ये प्यादे वे अश्वार ही प्यादे वो तो अश्वार इनके पैदल है कैसे मेल हो सकता नहीं हो सकता लेकिन हिम्मत मारे भागते जा रहे उदरी को क्यों कल पहुंचो जाए पर नहीं पहुंच सकते थे यूं करते चले गए। इस प्रकार से हिम्मत बांध के चली जा रहे हैं बीच घड़ी आए रात थोड़ी देर के बाद में अंधेरा होने लगा जंगल की रास्ता अंधेरा हो गया। जब वो ये मुलक रहती है का पर ये कैसी जगह फंस के जाके जहाँ रेतीला मैदान है कहीं पेड़ नहीं पौधे नहीं रेत ही रेत है वो दो दो कोस तक कोई गांव नहीं है कहीं ऐसी जगह को अंधेरा हो गया। जब वो इनको करे बात मन में सोचते हैं कि पता नहीं बारात किधर को गई है किससे रास्ता पूछ देने कौन पता है रास्ता ऐसे सोच के चलते जा रहे आगे को चली राह ना पाए पर रास्ता मार करते था चली राह ना पाई बालू की रास्ता थी कोई आदमी निकल जाता था तो पता नहीं चलता था कि कोई गया है वो हवा से बालू धीरे धीरे पैर के निशान थक जाते थे ऐसी जगह ये सोच रहे हैं अब इनको डर लगने लगा कभी घर से बाहर नहीं निकले और जंगल है अंधेरा रात हो गई अब इनको डर लगने लगा है एक दो बाहर ना सके ऐसी जगह इनको रात हो गई एक दो आदमी वहां निकल नहीं पाते तो बच के चोर लूट लेते थे ऐसी जगह में जाके फंस गए हैं इन भात का ठोर ऐसी जगह में जाके सोचते हैं एक ढेर पाए धरे खाए एक ढेर बात धन हवा चलती है तो हवा से कहते बालू वहां ढेर लग जाता है फिर इधर से हवा चलती है तो बालू ढेर इधर लग जाता है वो रास्ता का पता ही नहीं चलता था खड़ा करे तरफ और तरफ जाके खड़ा हो जाता था फिर कहां वायु लगे फिर दूसरी तरफ से हवा चलने लगती थी तो उधर ढेर लग जाता बालू का ढेर लगे और ठोर उसी जगह लगता था वह बालक मन दहशत वह बालक मन दहशत वह कहते अवस्था बालक अवस्था है 11 साल की अवस्था है मन में डर लगने लगा इनको एक में उठा इनको पे जय तो भाग
भागते रहे दौड़ते रहे, पेट की अड़कन से जो फूल गई तो डर लग रहा है और तो पेट में दर्द आने लगा, ना जाने आगे पीछे तो चलते जा रहे मन में सोचते हैं कि ये भगवान पता नहीं रास्ता किधर है, हम किधर जा रहे हैं, कोई रास्ता पता नहीं चलता, कोई आवाज नहीं कहीं आ रही है, कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा, पर आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन जागा और कहां जाके हमें किनारा मिलेगा, यो करते चले जाते ऐसी करते हिम्मत बांध के चले जाते हैं। एक शख्स दिया देगा एक शख्स दिया नहीं था, श्री महामती कहे मोमनो तुम मैं दमदम जो मर करते इसे घाट का अपन मिले कर उन्होंने पहले कह दिया था कि श्यामा जी का मंडे चालो आवेश है मां मुंह तुमने एकला आप हमारा आवेश लेकर के चलो और तुमको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोई एक शख्स दिया नहीं था, सामने से दिखाई दिया कि कोई आदमी आ रहा है, ऐसा जब इनको दिखाई दिया मेरे में तो इनको और डर लगने लगा कि हो ना हो बदमाशी हमें लूट लेगा, ऐसा सोच करके तब बड़ी दहशत भाई तब बड़ी को दहशत हो गई, डर लगने लगा। ऐसा विचार आया सत्य देव जी महाराज को ये चोरों को मारेगा, ये चोरों को मारेगा, ये निश्चय करके चोर है और मुझे मारेगा मेरा सामान छुड़ा दे, ऐसा इनके मन में आया है। कुछ नहीं कोई जगह नहीं, मैंने कहीं पेड़ हो कुछ हो तो मैं छुप जाऊंगी, निकल जा घर में चला जाऊंगा, मैदानी मैदान है कहाँ छुपू, ऐसे करके जो तेजी से चल रहे थे अब इनके पैर धीरे धीरे आगे को पड़ने लगे, तब तक वो भी आगे आ रहा है। मेरा इसके आगे क्या चलेगा, हमें कूटेगा मारेगा ये मुझे कई किस और नहीं समझ में आ रही कि मैं किधर को चला जाऊं इससे बच जाऊं। इतने में आ गया कितने में वो आ गया सामने जो स्वरूप था वो सामने आ गया है, होए गई मुलाकात जब देखा उसके स्वरूप को तो डर गए और कांपने लगे, कैसा स्वरूप था वो देखत ही दहशत भाई देखत ही दहशत भाई देखती डर गए, इतना सात फुटा जवान लंबा चोला डाले है हाथ में भाला दिए है बड़ी बड़ी आंख है लंबी तलवार लटक रही उसके कमर कमर में, देखत ही दहशत भाई देखती डर लगने लगा इनको, वह कहने लगा बात और आकर के वो कहने लगा क्या कहा यह भेद सिपाही का, हाँ लालदास महाराज कहते ये भेद सिपाही सिपाही का भेद धारण करके आया, कमर कटारी तलवार हाँ, कमर में एक तलवार लंबी सी लगाई हुई है, वो दाढ़ी हाथ बची और दाढ़ी है लंबी सी हाथ में भाला लिए हुए है, ये चावे कर लियावन हार ऐसा भेष करके जाने के लिए ले करके आया है, मुख से आए वचन कहे मुख से आए वचन कहे, जब सतगुरु के मंडल ने देख करके उसको खड़े हो गए डर के मारे कांपने लगे, अब वो फिर क्या कहता है छोड़ो कमर तलवार छोड़ो कमर चंदा कि ये कितनी बड़ी तलवार ले गई छोटी सी, उसने कहा ये तलवार मुझे दो, ऐसा जब कहा तो डर के मारे बोली नहीं आवाज नहीं निकली कि भाई हमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा हमें क्यों छेड़ रहे हो, आवाज नहीं निकली डर के मारे और उसी समय तलवार खोल करके और दे देते हैं, कछुना आया विचार कछु विचार नहीं आया है तलवार छोड़ के तलवार छोड़ के किसको दे रही है ध्यान से सुनना तलवार छोड़ के दही हाथ सिराज दही हाथ सिराज ये उचित महाराज को लग रहा कि बदमाश है चोर है पर लालदास महाराज लिखते हैं कई हाथ श्री राज राखी का स्वरूप है उसके हाथ में दे रहे हैं
खाना उसी समय तलवार छोड़ के देती और कांप रहे खड़े खड़े। इस दृश्य को परम राम में कौन देख रहा है बताओ? इस दृश्य को परम राम में कौन देख रहा है? सुंदर भाई शाहवास। सुंदर भाई को सपना आ रहा है और सुंदर भाई देखकर ही हां और परम धाम में बैठी बैठी मून मिलाने सुंदर भाई कांप रही। जैसा सपना देखे ना वैसे शरीर होने लगता है। कहिया छोड़ तू गठड़ी, कहिया छोड़ तू गठड़ी। फिर उस रूप ने कहा कि गठड़ी बांधो बीच पर लाओ मुझे अपनी बच्चे दो। उसी समय गठड़ी खोड़ कर दे देते हैं। ये बातें देखी निकाल, ये बातें देखी निकाल। जब ये ऐसा देखा तो सोच लिया कि निश्चय चोर है, ये बदमाश ने मुझे मार देगा। अब बारात भी छूट गई, मेरे माता पिता भी छूट गए, ऐसा सोचने लगे। तब जाना मुझे मारेगा, जान लिया कि बचूंगा नहीं, मार देगा मुझे। सामान मेरा ले लिया और मुझे मार भी देगा। उन्होंने कह चुकन तो क्या कहा फिर उन्होंने? बिछाए बिछोड़ी सुहाव, वो स्वरूप जो था अपनी कमर में पिछौड़ी बांध रखी थी, उसको अपनी कमर से पिछौड़ी तोड़ करके बालू पर बिछा दी और देवचंदी मान को कागज पर लेट जाओ। जब लेट जाने को कहा तो बिल्कुल पानी पानी हो गए कि अब नहीं बच पाए। अगर अपने साथ ऐसा हो जाएगा ही तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाए उसे। सब डर के मारे कांप रहे हैं पर मजबूर है जो कह रहा है करना पड़ेगा। पिछौड़ी बिछा दी देखने को कहा जा रो, तब कांपने लगा मन, कांपने लगे कि जान गए कि अब आज नहीं बचता, अब मुझे मारेगा भाला और मेरा सामान ले जाएगा। पक्षी हाथ पकड़ के, पक्षी हाथ पकड़ मजबूरी में सतगुरु देव जी मर गए थे। उस चट्टान के ऊपर रात को करीबन 11 बज रहे हैं, अंधेरी रात सुनसान जंगल दिया भाव लेट गए हैं और उसने क्या किया, भाला लेकर के एक हाथ में और सतगुरु देव चिंह महाराज की जान पर लात रखी उसने, एक साथल पर दे पाए, एक साथल पर जान पर उसने पैर रखा, पैर को दबाया है अपनी नाक से, बोझ दिया शरीर का, अपने शरीर जितना ही सहन कर सकते थे उतनी बोझ दे रहे हैं। फिर होकर पूछ जाए, फिर थोड़ी देर दबा के खड़े रहे, फिर पूछते हैं कि भाई दर्द कम हुआ या नहीं हुआ है, दर्द भया कुछ हल्का, दर्द कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ है, फूल पेट का था जोर, पेट में दर्द हो गई थी दोस्तों। श्री देवचंद जी उत्तर दिया, सतगुरु देवचंद जी मान जवाब दिया कि इस तरफ ठीक हो रहा पर इस तरफ दर्द हो गई है, ऐसे कहा जाओ दूसरी तरफ दर्द हो रहा है। फिर दूसरी जान भूल में, दूसरी तरफ जान पर पैर रख करके खड़े हो गए हैं, देर पाव खड़े रहे, पैर दबाया तो पैरों की नसें दबी तो पेट को आराम मिला और फिर वो तो राजकुमार स्वरूप थे, स्पर्श करके ही सब दुख दुख दूर हो गया उनका, बोझ दिया शरीर का, अपना शरीर पर जितना उनको सहन कर सकते हैं उतना बोझ रख रहे अपने पैर का, इन शरीर पर दे, इस शरीर को पर दे। फिर पूछा क्या खबर दे, फिर पूछते हैं कि अब कैसी तबीयत है बताओ, अब दर्द हो रहा है पेट में कि नहीं, तो सतगुरु महाराज क्या कहते हैं, फूल मिटाया तारे, दर्द मिट गया जब वो तब उठ खड़े भए श्री देवचंद जी, हाँ जब बात नहीं अब नहीं कर सकता तो कहा खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो गए, अपनी पिछौड़ी की बिछाई उसको चढ़िया करके तय करके सतगुरु महाराज के पेट में बांध दी, कमर में बांध दी। ऐसा किया विचार, ऐसा विचार किया सतगुरु महाराज, सोच रहे कि चलो भाई अब मारेगा नहीं, जान बची लाटा पाए लौट के बुद्धू घर पर आए, अब मारेगा नहीं पर हाँ अपने हो सकता है घर में ले जाएगा और वहां नौकर बना के रख लेगा, ऐसा मन में सोच रहे हैं। पिछौड़ी कमर बंधाए के, कमर में पिछौड़ी के बांध करके और फिर क्या कहते हैं,
बोझ बांधा अपनी पीठ पर और उनकी देवचंद महाराज की गठड़ी अपने पीठ पर लाद ली और कहा मेरे पीछे पीछे चले आओ। तब जाना देवचंद जी, तब जाना देवचंद जी। तो देवचंद जी अब क्या सोच रहे हैं, ये मारे नहीं जो ये कर रहा है, मुझे मारेगा नहीं पर घर में जाकर के नौकर बना के रखेगा, बंदी खाने रख के अपने घर में ले जा करके घर का काम करवाएगा मेरे से, अपनी गुलामी करवाएगा। मरने सोचते जा रहे हैं, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं कि चलो मरने से तो बच गया, अब जो करवाएगा वो भी करूंगा भाई, ऐसा पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। अब क्या करावे काम, अब क्या करवाएगा तो भगवान जाने, ऐसा मन में अभी भी इनकी वही शंका है कि चोर है ये। मेरे तो वहां से चले, दोनों वहां से चल देते हैं, राह में अति जोर, राह में अति जोर, और राजमान का स्वरूप था इनको उड़ाता हुआ ले जा रहा, इनको पता नहीं चल रहा। 22 कोस चले थे रामदास महाराज ने लिखा और पीता काल में लिखा कि 22 कोस चले और वो जो बारात जा रही थी वो भी 22 ही कोस चल पाई थी रात रात में। लगे बात लौकिक पूछने, अब वो स्वरूप जो था लौकिक बात पूछना संसारी बात कि इनके दिमाग पर गलत विचार ना आने इसलिए लौकिक बात पूछ रहे हैं। जान पूछ के पूछ रहे कि तुम कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा पूछते हैं। नाम माता का पूछ तो, तुम्हारी माता जी का क्या नाम है, ऐसा पूछते हैं। और कुटुम्ब परिवार है, और कुटुम्ब परिवार में पूछ रहे हैं, आपको उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं कि मेरी माता श्री का नाम कुंवर बाई है, पिता श्री का नाम मधु मेहता है, मैं अकेले ही हूँ, मेरे कोई और भाई बहन नहीं, ऐसा बताते हैं। चले जाए तिल्लारे, उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। देवचंद उत्तर दियो, सबको तुम्हारा उत्तर दे रहे, क्या कह रहे हैं। रहे उमर कोट गाँव, मैं उमर कोट का रहने वाला हूँ, मधु मेहता जो पिता है, हमारे पिता श्री का नाम मधु मेहता है। चले चौधरी का काम, ऊंट घोड़ों का व्यापार करते हैं। फिर खबर देख की, फिर और पूछने लगे कि तुम्हारे यहाँ कौन सा राजा है, उसका व्यवहार कैसा है, जनता के साथ कैसा व्यवहार करता है। पूछने लगे चुकंदर, ऐसे पूछने लगे थे, कौन राजा तुम देश को, तुम्हारे देश का कौन सा राजा है, ये छोटा को चलत, उसका व्यवहार कैसा है जनता के साथ में, कौन वजीर ताके रहे, वजीर कौन है, क्या करता है वजीर, क्यों करता है व्यवहार, वजीर कैसा व्यवहार चलाता है। ऐसी बातें लौकिक, ऐसी जिनसे कोई मतलब नहीं था, ऐसी बातें पूछते जा रहे, बातों में लगा रखा है कि इनके मन में गलत विचार ना शंका ना आए, ऐसे पूछते हुए चले जा रहे हैं। यही पूछे विचार, ऐसी बातें पूछते गए, यो करते पूछत चले, ऐसे पूछते पूछते जा रहे हैं, पंथ करते जाए, मार्ग में चले जा रहे हैं। रात रहे थोड़ी बाकी, सवेरा 4 होने वाले आगे, गर्मी का मौसम था, जब 4:30 बजे तो उजेला सा हुआ, ऐसे पूछते हैं। रात को पहुंचे धाये, और 7 को पहुंचे था, उस बारात के पास पहुंच गए, बारात क्या कर रही थी, अभी ऊंट घोड़ों से सामान उतार उतार के रख रहे हैं कि भाई सारी रात चली हुई, अब यहाँ विश्राम करो और भोजन बनाएंगे खाएंगे फिर आगे चलूंगा। तो बारात वाले अभी सामान उतार रहे थे, कुछ ज्यादा खड़े रहे, अब वो दूर खड़े हो गए, वो जो राजमार स्वरूप था सिपाही बेस दूर खड़ा हो गया और बोला देखो बारात के साथ तुम जाना चाहते थे। इनका हाँ हाँ बारात के साथ जाना चाहता, देखो वो बारात है, खड़े जाओ चले जाओ, ऐसा उनको गठली दे दे का जाओ, पिछौड़ी छुड़ाए कमर से, और अपनी जो पिछौड़ी बांध रखी थी सतगुरु महाराज के कमर में, वो कहते हैं पिछौड़ी हमारी हमें दे दो, अपनी पीठ पर गठड़ी, और जो गठड़ी बांध रखी थी दे दी दो, तुम अपनी गठड़ी संभालो, जाओ देखो वो बारात है जिसके साथ जाना चाहते थे चले जाओ। देवचंद जी को इन समय देवचंद जी को दे देते हैं, नई तलवार छोड़ के, और तलवार की देती तो अपनी तलवार संभालो, देख दे ये तेरो साथ, देख ये तेरो साथ, देख वो बारात है चले जाओ,
जब सतगुरु देवचंद में आगे को देखने लगे थे तो वो स्वरूप अलोप हो गया, वो कहां चला गया, अलोप होकर के फिर सतगुरु नाथ के अंदर प्रवेश कर गया। वो साथ ही साथ में है और जहां जरूरत पड़ती है वहां वो प्रकट हो जाते हैं। तो कहा देव जी के रो साथ, देव जी मेरी बरात को खड़ी है, चले जाओ बरात का साथ। आगे वो देखा जहां लड़की तो बरात ही हुई, पीछे देखते तो स्वरूप है ही नहीं, पीछे फेर के देखा है, जो पीछे फेर के देखा तो बिना तुमने पकड़ा था। जब पीछे देखा तो बरात में तो कोई नहीं, धनी तुम्हारे सिर पर खड़े है एक पहाड़ है, बिसर जाता है तुम नींद में जो हो इतना ख्वाब की मान, हमें विश्वास नहीं होता कि राजीवन हमारी रक्षा कर रहे हैं। पर अगर तुम्हारा दिल विश्वास है तो रास्ते में कहीं जाओ राजीवन तुम्हारे साथ है, पर हमें विश्वास नहीं हो पाता। जब देखा वहां स्वरूप है नहीं, वहां तो कुछ ना दिखाई, अब वहां कुछ नहीं दिखाई देता, अब बराबर गुरु भूल गए कि जिसके लिए मैं दर्दर की खाक छानने जा रहा हूं, और वही माने अपनी पीठ में हमारी कचड़ी बांध के यहां तक देख लेते हैं, मैं नहीं पहचान पाया, वही खड़ा खड़े होकर के रोने लगे। अब रोने से क्या होगा, समय निकल गई, वहीं खड़े होकर के रो रहे खड़े खड़े, कौन कहा गये, कौन ये कहा चला गया, ये तहकीक मेरा था, निश्चय करके मेरा मालिक था जिसको मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूं, वही मुझे आकर छोड़ के मैं नहीं पहचान पाया। ऐसा कहते हैं एक समय करके सूरदास जी वृंदावन को जा रहे थे, लोगों ने पूछा सूरदास जी कहां जा रहे हैं, सूरदास बोले भाई मैं वृंदावन जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने। लोगों ने कहा तुम दिखाई तो देता नहीं, तुम क्या दर्शन करोगे। सूरदास ने कहा भाई हमें तो नहीं दिखाई देता, पर कन्हैया तो हमें देख लेगा, वो तो हमें देखेगा कि हम कैसे हैं। जा रहे के रास्ते में जंगल में रास्ता भूल गए, अकेले थे रास्ता भटक गए और जगह चल गए किसी तरह। जाते जाते दो बड़ा खड्डा था गहरा, उसमें जाकर के गिर गए। अब वो इतना गहरा था कि निकल नहीं पाए, उसी खड्डे में पड़े पड़े श्री कृष्ण को याद कर रहे थे। जब श्री कृष्ण कह रहे थे तो श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई मेरा भगत पड़ा हुआ है, इसको निकालना है। श्री कृष्ण वहां पहुंचे और वहां से सूरदास को बाहर निकाला, बाहर निकाल बोले सूरदास जी कहां जाना चाहते हैं। सूरदास ने कहा भाई भाई वृंदावन जा रहा था, रास्ता भूल गया, रास्ते में ले जाके लगाया, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। सूरदास को लगा कि ये मनुष्य का हाथ नहीं है, इसके हाथ के स्पर्श करने से मुझे कितनी अंदर से शांति मिल रही है, कितनी खुशी हो रही है, कितना मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, वो न हो मेरा श्याम सुंदर। सूरदास ने श्री कृष्ण का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जब मजबूती से हाथ पकड़ लिया तो श्री कृष्ण जान गए कि सूरदास ने मुझे पहचान ली। तो श्री कृष्ण ने अपना हाथ का झटका मार करके और हाथ को छड़ा दिया और बोले सूरदास जी यही रास्ता चले जाओ, सीधी वृंदावन को जा रही है। वहां सूरदास ने पद बोला था
बात छुड़ाया जात हो निवर ज्ञान के मोह अरे हृदय से कर जाइयो तो मत सराम तो बेप्रभु अंधा समझ करके बिना हाथ छुड़ा लिया अरे मत तो कब क्या भूखा मेरे दिल से निकल गया। यहां पर सतगुरु देव जी की महाराज सोच रहे थे कि आज मुझे धोखा दे के चले गए आगे जाकर ही बिल्डिंग फिर हो गए मैं पहचान लूंगा मैं पकड़ लूंगा छोड़ूंगा नहीं प्यार करते वहां पर विलाप किया होते नहीं खड़े खड़े फिर ये तो ऐसा विचार किया कि अब कहीं भी मिलेगी तो मैं पहचान लूंगा मेरे तो है अच्छा करेगा ये छोड़े नहीं तो कर ये छोड़े नहीं मुझे ये तो तहती तो हुआ ये तो निश्चय हो गया कि अच्छे की महाराज क्या हुआ है धनी है मेरी हाजर धनी मेरे हाजर हमारे पास ही में है वो भले अब कहाँ जाएंगे अब कहाँ जाएंगे कहाँ छुपेंगे मैं तो ढूंढ लूंगा आगे जाकर के खोज करके मैं खोज लियो इन पद मैं खोज लूंगा ढूंढ लूंगा आगे चले बरात के तरफ हो आवत जो के दिन अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था तो उन बरातियों ने सोचा कि कौन आदमी जंगल से आ रहा है तो उन्होंने टोक दिया वहां के जो सिपाही थे उनका भी तू कौन है भाई यहाँ क्यों आ रहा है ऐसे टोका जो कौन है कहा आवत तो कौन है यहाँ आ रहा है बरात के तरफ हो नाम देवचंद लियो इन्होंने नाम लिया कि भाई मैं देवचंद हूँ उमरकोट से आया हूँ मतु मेहता का लड़का हूँ मैं जब ऐसे ही कहा तो क्या हुआ तबले चले सरदार पे तो वो पास पहुंच गए उन्हें ले जाकर के जो वहां वजीर था वजीर के पास ले गए जब वजीर के पास ले गए तो वजीर ने देखा अरे कि तो वही लड़का है जो कल मुझसे कह रहा था हम भी चले गए आपके साथ उसके पास ले जाते हैं उन्होंने पूछा बेटा तुम कैसे यहाँ पहुंच गए हैं मैं तो सारी रात भोले भगाए तब यहाँ तक पहुंच पा रहा पर तुम कैसे यहाँ पर आ गए किसके साथ आए हो ऐसा पूछते हैं तुम क्यों आए हमको मिले तुम कैसे आकर के मुझे मिले हो बड़ा तो चल जो भयो मन बड़ा सबको आश्चर्य हुआ है क्यों कर रहा पाए तुम और तुम्हें कैसे पता चला रात को कि बरात घर को गई है कैसे आए किसके साथ में आए हो क्यों पहुंचे स्वालो तक हमारे स्वालो के साथ कैसे पहुंच गए यहाँ तक तब जवाब देवचंद जी दिया जवाब देवचंद जी दिया सच्चाई नहीं बताई पहली बार तो जीवन में ऐसी घटनाएं किसी को होती नहीं है अगर किसी के अंदर ऐसी घटना कभी रात भर कोई कर दे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन अपनी बड़ाई लेने के लिए लोग सब नहीं कह देते कि हमें वैसे दर्शन हुए हमने ऐसा देखा नहीं बताना चाहिए अगर बता दोगे दोबारा दर्शन नहीं होते वो जान जाते कि मेरी कीमत नहीं समझता अरे दुनिया की दौलत मिल जाती वो नहीं बताते किसी को ऐसी दौलत मिल जाए तो क्यों बताओगे लेकिन अपने नाम कमाने के लिए अपनी बड़ाई लेने के लिए सबने बता देते नहीं बताना चाहिए सतगुरु देव जी की बात नहीं बता रहे क्या कह रहे हैं हम आए चले जैसे बंग आए चले जैसे बंग जैसे हवा होती ना हवा का चक्कर एक बार जाता है धुन के साथ भागता चला जाता ऐसे ही मैं करके चला आया हूँ हमारे पीछे चले आए आपके पीछे पीछे मैं चला आया हूँ कदमों पर कदम रख के चले आए तुम्हारी बारात आई ना उस बारात के साथ साथ निशान पड़ते चले गए उसी में देखता देखता मैं चला आया अपने बल से और भाग के आया हूँ मैं चले मार के आए हम ऐसे में आपके पास पहुँच गया सबने बड़ा आश्चर्य पाया यार छोटा सा बालक 11-12 साल का ये कैसे यहाँ तक पहुँच गया
सब आश्रम में पड़े हुए हैं। कहीं खोलो कमर, फिर कहा बच्ची के बेटे कटनी रखो और बैठो आराम करो, भोजन उदन करके तुमको लेके चलूंगा साथ में। वो जो बारात थी वो भी अपने सामान उठा करके रख रहे थे, अभी कोई आग जलाने पर और कोई लकड़ी इकट्ठा करके आग जला रहे थे कि यहाँ भोजन बनाएंगे खाएंगे फिर बारात आगे चलेगी। तब उनका कायद सिद्धार्थ ने क्या कहा शत्रु देवचंद जी महाराज से, रसोई का आदर किया कि बेटा भोजन तैयार हो गया था भोजन कर लो, ऐसा कहा चाहो तो सीधा। अगर अपने हाथ से बनाना चाहते हो तो हमारे लंगर से सीधा सामान ले लो बना लो, नहीं तो भोजन बन चुका है इसमें आ जाओ या आओ रसोई पर या आकर के भोजन कर लो। तब देवचंद जी ने क्या कहा, यो कर दिया जवाब, यो कर दिया जवाब, जवाब देते हैं हमारे घर में कोई अतिथि आ गया मेहमान आ गया है और अपना बनाए खाए अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप भोजन बना बनाया है ले लो तो हमारे भंडार से सामान ले लो सीधा ले हो तुम सीधा ले लो बना लो। तब देवचंद जी ने कहा, सद्गुरु देवचंद जी बोले कि भाई बड़ी कृपा मेहरबानी आपको हमें मिल गई, यही बहुत है, ये सीधा सामान हम ले आए हैं, ये भी आप ही का है, इसको बनाएंगे खाएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा फिर आपको भी ले लेना, ऐसा कहने लगे। घर से सीधा सामान लाए हैं तब कायत दुख पाएंगे, तब कायत को बड़ा दुख लगा कि भाई हमारे कोई आ जाए और अपनी बनाए खाए की अच्छी नहीं बात होती, उस दुखी हुआ कायत जब वो कहीं हमारी नहीं है हमारी नहीं है रमेश, हमारी ये रिवाज नहीं है कि हमारी एक पहली बात है तो हमारे बराबरी के हो और दूसरी बात अपना बनाओ खाओ ये हमारी रिवाज नहीं है, हमारी न्यान बोले हम पे हमारी न्यान के हमसे हमारी भंडार से सामान ले लो और बना लो, हो तुम हमारे के तुम्हारी बरादरी के हो तुम भी कायस्थ हो मैं भी कायस्थ हूँ। तब सीधा तत्काल लिया तब सतगुरु देव जी महाराज का सीधा सामान लिया और फिर भोजन बनाया है कहीं रसोई तब वहाँ पर रसोई बनाई अपने आप को क्या खलोप को दर्शन पायो थो तो जैसी बनी बनती सीधी दाल सब बना करके उनकी मोटी मोटी बना के और जा स्वरूप को दर्शन पायो थो जो सिपाही देश में दर्शन मिला था उसको कहते भोग लगाने उसका ध्यान करने और उसका ध्यान करके भोग लगा के फिर भोजन किया है सब उसको रसोई अरवाई है साथ लेके फोड़ रहे प्रसाद लेके प्रसाद हो गया वो लेकर के फिर आराम करने लगे। फिर के उठे जब बारात के चलने पूरी खाना खा पी करके इन्हों भी अपनी कचरी पीठ पे ला कर ये भी चलने को तैयार हो गए उठ के गेल चलन को रास्ता चलने के लिए वे तैयार सब सब तैयार हो गए सब अपने घोड़ों पर ऊँटों पर बैठ गए। अब देवचंद जी महाराज खड़े नीचे तो कायस्थ ने क्या कहा है तब उनका तो जो मुखिया थे वो कायस्थ महा के उन वजीर ने कहा कि देखो भाई ये बच्चा अब इसको जंगल में नहीं छोड़ना इसको भी साथ में लेकर के चलो शहर तक छोड़ने में आगे इसकी मर्जी कहीं जा ऐसा कहा है अपने लोगों को अपने लोगों से कहा है दो ऊंट पर सवार है पीछे दो ऊंट खड़े हैं उसमें कितने तुम सवार हो ऐसा पूछ रहे हैं कितने शामिल हो कितने जन हो दो ऊंट पर है तब उसने उत्तर दिया कि भाई दो ऊंट पर हम चार जने हैं हम है जने चार हम चार जने हैं तब कहा पांचवा ये तुम कहा ये बच्चा है इसको भी बैठा दो साथ इसको लेकर के चलो शामिल करो इसको भी लेकर के चलो साथ में इधर भक्त देवचंद जी इस प्रकार सतगुरु देवचंद जी महाराज जा करके कच्छ में पहुंच जाते अब घर में क्या है अकेले ही बेटा रात को माता पिता ने रोटी नहीं खाई
पूछा, लोगों से कहीं पता नहीं चलता। रोते रहे कि अभी बेटा था, कहते रात को भोजन भी किया उन्होंने। आए पहुंचे कच्छ में, और सतगुरु देव जी ने माने कच्छ में पहुंच जाते हैं। गए लोग अपने ढोले, और जहां बारात जानी थी वहां चले गए। ये जाकर के अपना झोला झंडा लेकर के एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। आप लगे खोज में, आप खोजने लगे वहां। श्री महामत कहे ये साथ जी, परम रामदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये देव चंद जी की बीता कर, ये सतगुरु देव जी ने मन का जीवन चरित्र सुनाया था। कैसी खोज करी थी, कितनी कसरी करी, तब लिया करके मक्खन निकाल के हमारे सामने रखा, हमसे खाया भी नहीं जाता। कितनी मेहनत करी, उनके जीवन चरित्र सुनो, जा करके क्या करते हैं, आगे खोज करेंगे और आगे भी खोज करेंगे। वो बातें अगले प्रकरण में बताएंगे आपको। अब कहो कच्छ देश की, कच्छ देश में सतगुरु देवचंदी महाराज पहुंच जाते हैं। पहुंचे आए, आप आए जितना, पहुंच गए वहां, कहां आए खोज करी, कहां जाकर के मंदिर में पहुंचे और वहां जाकर पूछा कि महाराज जी यहाँ कथा चर्चा सत्संग कब होता है, कौन से भगवान की लीला सुनाई जाती है, ऐसे पूछते हैं। थोड़े बताओ तो बताएंगे। लगे खोज करने, आप खोज करने लगे कि परमात्मा कैसे मिलता है, हमें क्या करना चाहिए। बैठे हुए जाए, एक मंदिर में जाकर बैठे हैं। चर्चा बहुत पूछत, चर्चा बहुत पूछत, वहाँ पूछते हैं कि भाई यहाँ चर्चा कब होती है, किस भगवान की लीला सुनाई जाती है। तो बेटा देखो, हम तो मूर्ति को मानते हैं, मूर्ति के अंदर ही भगवान वास करता है, इसीलिए हम तो मूर्ति पूजा करते हैं। तो सतगुरु देव चिन्ह मार के मन में आया कि परमात्मा तो सब रहे रहता है, पर एक मूर्ति बन के थोड़ी रहेगा, इसके अंदर तो नहीं होना चाहिए। ऐसे इनके मन में आया, वहां थोड़े दिन रहे, सत्संग सुना, पर इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मन को शांति नहीं मिली। जब वो एक दिन रहे दिन में, उस दिन वहां रहे हैं, फिर वहां से छोड़ करके दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। आए खोजे सन्यासी, वहां पर जो सन्यासी थे उनको जाके पहुंच जाते मंदिर में, बड़े दिव्यधारी, बड़े बड़े भेष बनाने वाले, उनमें जाके पहुंच जाते हैं। जो भेष बनाते, कई कई माला डाले हुए हैं, कपड़े लगे हुए हैं, दुनिया उनकी पूजा करती है, जनता पहुंच जाती उनके पास में। कहां जाए के खोज, कहां जाके खोज, वहां भी जाकर से पहुंचे, वहां जाके खोज कर रहे हैं कि भाई परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, हमें क्या करना चाहिए। कहे जाना कहे हम सब, उनका बेटा मैं सब जानता हूँ, तुम्हें बता दूँ, तुम यहाँ पर रहो, तुम मंत्र धारण करो और हम विधि बताऊंगा, उस तरह से तुम करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें नाम स्मरण दूंगा, उसका भजन करो, निश्चय करके ग्रहण करो और चर्चा करे दत्त की, और चर्चा करे दत्त की। वो कहते देखो दत्तात्रेय हैं, वो भगवान के अवतार हैं और उनसे हमारा संप्रदाय चला हुआ है, इसीलिए हमारा संप्रदाय सबसे बड़ा है। आप मनु मंत्र धारण कर लो और फिर मैं विधि बताऊंगा, ऐसा भजन करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका फिर नाम सतगुरु देव चिन्ह मार्ग ने ले लिया है, पर दिल में कठिनाया वही, पर जैसी विधि बताई तुम ऐसी करते हैं, पर दिल में कठिनाया वही, इनके मन में जिस चीज की तड़पन है वो मिल नहीं रहा है। वहाँ पर तो मन को शांति नहीं मिली, कोई एक दिन तहा रहे, उस दिन वहाँ रह करके फिर छोड़ करके आगे चले जाते हैं, फिर चले ले जाता है और दूसरी जगह चले जाते हैं। बड़े दिन में कटफटे, बड़े दिन में फटे, जो नागा लोग होते हैं उन नागाओं में जाके पहुंच जाते हैं, चले गए तिरथोर, उनमें चले जाते हैं। सतगुरु देव चंडी महाराज है ये राजगुरु कहा भाई, ये राजगुरु कहा भाई, क्योंकि राजा ने गुरु धारण किया था उनको, इसलिए वो राजगुरु कहलाने लगे थे।
उनमें सतगुरु देव जी की बात पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे लेकिन उनके बहुत से चेले थे जो कच्छ देश महात्माओं को नानाओं को बहुत मानते थे। उनमें सतगुरु महाराज पहुंच जाते हैं कोई कदर तहा है उस दिन वहां भी रहे। उनकी भी नियम कर्म देखे संयम देखे इनको मन नहीं माना है इनको विश्वास नहीं होता। और जब तक कहते आत्मा देवे साख है तब तक प्रमोद दीजिए दस लाख कितने प्रमाण हो जब तक आत्मा गवारा ना दे तब तक मजा नहीं आता। सतगुरु देव जी का वहां भी शांति नहीं मिल रही उनको भी देखे उनके कर्म देखे और वहां से निकल जाते हैं उनकी चर्चा पूछते हैं कुछ भी खबर पड़ती उनकी चर्चा पूछते हैं वो भी ओम निराकार को मानते थे लोग। फिर बैरागी का पानी सिर्फ बैरागी होते पर पानी उनमें चले गए हैं रहे को एक दिन कुछ दिन वहां रहे। चार वर्ष भटके चार साल तक भटकते रहे सब संप्रदायों में गए कई दो महीना रहे कई चार महीना रहे कई छह महीना रहे। चार साल तक सतगुरु देव चिंत महाराज ने सारी संप्रदायों में खोज करी देखी दिन में पर वो कष्ट नहीं देखी सब अपने खाने पीने की मौत मजा में पड़े हैं वो वस्तु नहीं देखी है पड़े इंद्री बचपन पड़े इंद्री बचपन अपनी इंद्रियों के वश में मन के वश में होकर के मौत ले रहे हैं। मस्जिद में इस प्रकार से कहते मस्जिद में भी चले मुल्ला की जाके सोबत करी वहां भी कुछ नहीं मिला। मुल्ला की करी सोबत करी थी वहां भी इनको कुछ नहीं मिला। गोपी देख उनके सब भी कह रहा है वहां भी इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एक दिन रहे कुछ दिन मुल्लाओं के पास रह करके और ब्राह्मण भेंट गई और जितने ब्राह्मण लोग थे बड़े बड़े विद्वान थे सब भी संगत करी खोजी खोजे बाहर भीतर अंतर बैठक का खोज करने वाला करते हैं पा लेते खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करता खोज बड़ी संसार रे साधु खोज बड़ी संसार। चार साल हो गए खोजते खोजते पर अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। जितने संप्रदाय थे जितने पंथ थे सब में खोज करी है खोजते फिरते रहे हैं मेहनत करी है बड़ी मेहनत करी हम लोग ने फिरते फिरते पर कहते हैं कहाँ भोजनगर में फिर कहते भोजनगर पहुंच जाते हैं आए तिन शहर में भोजनगर में जाकर के पहुंच जाते हैं। एक बार भोजनगर पहली पिता के साथ गए थे भोजनगर शहर में पहुंच जाते हैं कहां हरिदास जी रहे क्योंकि हरिदास जी भी उमरकोट के रहने वाले थे। हरिदास जो थे उमरकोट के रहने वाले थे बड़े विद्वान थे। उमरकोट के राजा ने एक यज्ञ किया था उस यज्ञ के सफल करने के लिए कोई योग ब्राह्मण नहीं मिला तो हरिदास से कहा राजा ने कि हरिदास जी हमारे यज्ञ को सफल कर दो। तो हरिदास ने कह दिया राजा ने हमारा काम नहीं हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण का काम होता है हम नहीं कर सकते इस काम को। राजा ने कहा कि करना पड़ेगा। हरिदास ने कहा नहीं राजन मैं नहीं कर सकता इस काम को। राजा ने कहा नहीं कर सकते तो हमारे राज से निकल जाओ। वहां से निकाल दिया था हरिदास जी को। तो हरिदास जी जाकर भोजनगर में आकर के रहने लगे। इसलिए इनके पिता जब व्यापार में जाते थे कच्छ में तो हरिदास के यहां ही ठहरते थे। तो एक बार अपने पिता के साथ हरिदास के पास गए थे तो घूमते घूमते करके वहीं पहुंच जाते हैं ये भाई तो हरिदास के यहाँ संगत हुई पहुंचे। हरिदास ने कहा बेटा तुम कहाँ बने रहे तुम्हारे पिता दो तीन बार यहाँ हो गए और रो रहे थे पूछ रहे थे मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया अभी तक मिला नहीं चार साल हो गए तुमने खबर भी नहीं करी।
सतगुरु देवचंद बात बोले महाराज गलती हो गई हमसे, हमने खबर नहीं भेजी। वहां से हरिदास जी ने पत्र लिखा मत मेहता के लिए कि तुम्हारा बेटा हमारे पास आ चुका है, घबराना नहीं। बैठे राधा पल्लभ जी, पर वो राधा पल्लभ जो संप्रदाय है उसको मानने वाले थे हरिदास जी, अपनी आत्मा कल्याण के लिए सेवा करते थे, घर में मंदिर बना रखा था, गृहस्थी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन साधु जीवन जी रहे थे, एक संत जीवन जी रहे थे। हरिदास जी ऐसी की पूजा करते थे, सेवा बाकी बिहारी की, बाकी बिहारी के उपासक थे तो बाकी बिहारी का मंदिर बना रखा था घर में, और खूब बड़ी लगन से सेवा करते हैं, सखी भाव धर्म, सखी भाव से सेवा करते थे, अपने पे गोपी मानते थे और बाकी बिहारी अपना प्रीतम मान करके सेवा करते हैं। वो हरिदास जी उनकी सोबत में, अब उनकी सोबत में सतगुरु देव चिंतन रहने लगे हैं। जब सेवा देखी हरिदास की तो हैरान हो गए देवचंद जी कि मैंने बड़े बड़े महात्मा देखे, बड़े बड़े त्यागी देखे, बड़े बड़े कष्टी करने वाले देखे, पर जो लगन इनको है, जो प्रेम इनको है, जो तपन हरिदास को है, मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसे सतगुरु देवचंद जी के मन में आया कि इनकी मैं सेवा करूं कि मुझे अपना शिष्य बना लेंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इतनी हरिदास जी लगन से भाव से सेवा करते थे तो उनको देख करके कहते हैं सतगुरु देवचंद जी महाराज का मन पिघल गया है। साचा देखा तिनको, साचा देखा तिनको, कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, कितनी लगन से, कितनी सफाई से सेवा करते थे। और सेवा ही सबसे बड़ी चीज होती है, भाव प्रधान होता है, उनका कितना भाव था, कैसी सेवा करते थे, देख करके देवचंद जी महाराज का भी मन पिघल गया कि ऐसे पुरुष अगर मुझे चेला अपना बना देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सेवत है अपने बड़ी नियम से सेवा करते हैं। जब ऋतु आवे गर्मी की, जब ऋतु आवे गर्मी की, जब गर्मी का मौसम आता था तो भगवान के लिए पतले पतले वस्त्र बनवा लेते थे, ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाते थे। जब सर्दी का मौसम आ जाए तो गर्म कपड़े बनवाते थे भगवान के लिए, गर्म गर्म नेवाओं का भोग लगाते थे। ऐसा देख करके सतगुरु देवचंद जी महाराज बड़ा दिल में इनको हुआ है, उसी अनुसार सेवा करते हैं। ठंडक करे हर भाष, मंदिर जो बना रखा था उन्होंने, हर प्रकार से वहाँ हवा करते थे, पोछा लगाते थे, ऐसी सेवा करते थे। समय ताकत है, आगे मौसम आने वाला सर्दी का पहली तैयारी कर लेते हैं हरिदास जी, और जाने के रुक मिले सर्दी के मौसम में गर्मी का करे इलाज। गर्मी का कहीं ना, गर्मी को पार करते कि सर्दी आने वाली है, भगवान के लिए वस्त्र, गर्म वस्त्र बनवा दो, नीमों का भोग लेके रख देते थे, ऐसी सेवा करते थे। अब ये वस्तु करो, अब ये वस्तु में करूं, चाहिए भी मुझे आज, मुझे ये वस्तु की जरूरत पड़ेगी जब स्नान करे दिन में, और दिन में दो चार बार नहा लेते थे हरिदास जी, दो चार वक्त, दो चार वक्त स्नान कर लेते हैं। जब ऋतु पलटे में चाहिए, ऋतु पलटे में चाहिए, जब मौसम बदलता था तो गर्मी शीत हो, गर्मी शीत हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनका नियम बराबर एक साथ चलता था। ये नहीं कि गर्मी में नहा लिया ठीक था और सर्दी में कर दिया, मन शुद्ध होना चाहिए, नहाने से क्या होता, मन शुद्ध होना चाहिए, सर्दी में मन शुद्ध हो और गर्मी में नहा लो ठीक था। तो गर्मी हो या सर्दी हो, नियम संयम करने वाला बराबर अपना करता है, परमात्मा की सेवा करने उसका मन नहीं मानता, ऐसी सेवा करते थे। तब उनको स्नान का, तब स्नान का हरिदास को फिर वक्त हो, बार बार स्नान करते थे, यह तत्व नहीं देखते, सचोटी देखते, ऐसे उनका लगन अपने सच्चाई देख करके
सतगुरु देवचंद जी महाराज क्या सोचते हैं? ये ठीक करे ना कोई, ऐसी कोई नहीं करता। मुझे 4 साल हो गए देखते देखते, सब नहीं भटका पड़ के संत महात्माओं को देखा, पर ऐसा कोई नहीं करता है। इन ठिकाने आए के, इन ठिकाने यहाँ पर हरिदास जी के पास में आकर के सतगुरु देवचंद जी महाराज को विश्वास हो गया कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। आत्म पायो कलाल, आत्मा को शांति मिली। ये जजवटी देख के, ऐसी लगन भाव देख करके करने लगे विचार, विचार करने लगे क्या करें, इनकी मैं सेवा करो। मन में सोचा कि कैसे कहूँ कि महाराज जी मुझे जो अपना शिष्य बना लो, पर मन में सोचा कि इनकी सेवा करूंगा, सेवा करके रिज जाएंगे तो मैं अपना शिष्य बना लेंगे, अपना चेला बना लेंगे, इनकी मैं सेवा करूँ। अब हरिदास जी की सेवा करने लगे, इनसे वस्तु लेती है, कब लगे सेवा करने, सेवा करने। वहाँ मंदिर जो था वहाँ झाड़ू मार देते, पोछा मार देते हैं, हरिदास जी की कथा करते दौड़ते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, जो हरिदास जी लेट जाते उनके पैर दबाने लगते हैं, ऐसी सेवा करते जो इनकी सोबत में, इनकी संगत में रहते थे, नित्याने हरिदास जी कथा करते थे, तो उनकी दोनों टेम कथा सुनते, और लोग शिष्य थे हरिदास जी के, वो भी आते सुनने, ऐसा देवचंद जी सुनते है, उस संगत में बैठते थे। जब ये चिट्ठी जाके पहुंची उमरकोट में, तो मधुर मैदान सुनी, उसी समय कहते हैं चल दिए मिलने के लिए, और आकर के हरिदास जी के पास आए हैं, आकर के मिले हैं देवचंद जी से, नसीहत जो कहते हैं, और नसीहत जो कहते हैं, जो शिक्षा देने की कि बेटा तेरी माता रोते रोते अभी अंधी हो गई, और तू इतने दिन हो गए खबर नहीं भेजी, चलो घर पर चलो। सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही मुक्ति के पास में रहूंगा। बहुत समझाते लेकिन मानते नहीं। तो हरिदास ने कहा कि मैं तो महता जी एक बात मानो मेरी, जो मैं कहूँ आपको। उनका कहो महाराज जी क्या बात। उनका देखो तुम व्यापार के लिए यहाँ आते हो, साल में 2 बार तो आ ही जाते हो, तो आप पति पत्नी यहीं आ जाओ, यहीं आके रहने का कोई नहीं, व्यापार करो, बेटा भी तुम्हारा साथ में रहेगा। आज भी मेरी बात मानता है, मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा चला जाए, लेकिन कल को कहीं और जगह चला गया फिर क्या करोगे, फिर न तुम्हारे हाथ में रहेगा न हमारे हाथ में रहेगा। इसको तो लगन लगी, और जिसको लग जाती है स्वामी जी कहते लागी बानी कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड को है ही नहीं, वो तो खेले पर प्रेमी पार पियासो देखन को तो सागर माने। पहली बात ये चोट किसी को चुभती नहीं, लगती नहीं, और जिसको लग जाती है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि हमारे घर का क्या होगा। इसलिए ये बच्चे को लगन लगी हुई है, आप यही आ जाओ यही रहने लगे अच्छा होगा। मधुमेहता अच्छा लगा, और वहां से अपना सामान ले करके यही भोजनगर में आ जाते हैं। सो कहकर थके सब, कहकर थके सब, ये तो ये माने नहीं, सतगुरु देवचंद जी महाराज नहीं मानते थे, बेजान हुए तब, दुखी हो गए जब जाने को तैयार नहीं हुए, तो हरिदास ने ऐसी शिक्षा दी है। देवचंद जी माया के, देवचंद जी माया के, सतगुरु देवचंद जी माया के नजदीक नहीं जाना चाहते हैं, जो ये जाए नजदीक ना जाए, नजदीक नहीं जाते हैं, इनको वह कभी नहीं, इनको अच्छी नहीं लगती। स्वामी जी कहते हैं पहले दिखावे सुख सीता का, पीछे झाले अगिन की झा, ये माया इतनी है पर इसमें बड़ा सुख मिलता है, और बाद में इतना जकड़ लेती है फिर इंसान घर को छोड़ भी नहीं सकता, और घर में रहने को भी जी नहीं करता। इसलिए कहते हैं पर गमय नहीं, बड़ो दुख पहुंचाए, बड़ो दुख पहुंचाए, बड़ा दुख पहुंचाती है माया। हरिदास जी की सेवा करे, हरिदास जी की सेवा कर, हरिदास जी की सेवा करते हैं, और वही सत्संग सुनते हैं, सब लोग आते हैं जैसे आप लोग आए, सब लोग ऐसे उनके चेले सब आकर के सत्संग सुनते हैं,
सत्संग में बहुत लोग आते हैं, पर सत्संग बहुत लोग सुनते हैं, सुनने बैठते हैं, पर भाई सत्संग थोड़ों में बैठता है। सत्संग सत्संग तो बहुत सुनते हैं, सत्संग में बहुत लोग आके बैठते हैं, पर सत्संग थोड़े लोगों में बैठता है। मनसा वाचा कर्म, मन से वचनों से हर तरह से देवचंडी महाराज को पालन करते हुए अथो चकना लावही, किसी प्रकार की शंका नहीं आती उनको, रहे आत्मा के धर्म, आत्मा के धर्म से गए गए थे, एक सांचे हरिदास जी की इनको, एक सांचे हरिदास जी। अब देखो शिष्य भी चाहता कोई अच्छा गुरु मिले, उसको मैं अपना गुरु बनाऊं, तो गुरु भी सोचता है कि कोई चेला ऐसा अच्छा मिले जो हमारा नाम रोशन कर। हरिदास जी ने भी सोचा कि ये बच्चा लायक है और आगे चल के कुछ बनेगा, इसको लगन है, इसको मैं गुरु मंत्र दे दूं तो ठीक है, क्योंकि बिना मंत्र दिए वो भक्ति लगती नहीं। गुरु सबको धारण करना पड़ा, संसार में राम हुए कृष्ण हुए उन्होंने गुरु धारण करे, इसलिए हरिदास जी ने सोचा कि इसको मंत्र दे दूं तो ये कम से कम इसकी जिंदगी तो सुधरेगी। मन में देव नाम सुमरण, इनको सुमरण गुरु मंत्र देखो से मन में आता है, ऐसा विचार करके हरिदास जी सतगुरु देवचंद महाराज से क्या कहते हैं, एक दिल में लिया दिन, एक दिल में लिया दिन। अब माता पिता भी वही रहने लगे जा करके, सस्ता जमाना था, फ्री में घर मिल जाते थे, रहने को जगह मिल जाती थी, तो वही रहने लगे। अब मन में सोचा इनको गुरु मंत्र देंगे, पर गुरु मंत्र देने का भी कोई विधि विधान होता अब नहीं है, पहले होता था भाई बगैर खाए पिए आओ और सुबह के टाइम आओ, अब तो अपने रात में भी कहेगा तो रात में भी मंत्र दे देंगे, हमारे छह दिन में होने चाहिए, पर ये विधान नहीं होता। अब वो हरिदास जी मुहूर्त सोच के मंत्र देने की कहते हैं, मतु मेहता विचार करें, मतु मेहता विचार, मतु मेहता पिता सोचते हैं कि अभी तो छड़ा हुआ है ना, पर कहीं निकल जाएगा, और जब इसकी शादी कर दूंगा बंधन में बंध जाएगा तो हमारे पास तो रहेगा ही। माता पिता अपन सोचते हैं स्वार्थ, गुरु अपना सोच रहा है, इसी प्रकार से उसको माया में फंसा देंगे जाल में, तो घर में तो रहेगा ये, तो ये हाथ आवे मेरे, मेरे हाथ में आएगा सब सोते मत मेहता, इससे बैराग छूट जाएगा, जो अभी लगन लगी है बैराग लगा हुआ है, और ऐसे इसको बैराग लगा रहा कि पता नहीं फिर कहीं निकल जाएगा। और हमारे जीवन की लाठी तो यही है, इसीलिए इसको बंधन में बांधना जरूरी है, ताकि हमारे पास तो रहेगा, सेवा करेगा, एक सगाई करके एक जगह लड़की देख करके और सगाई पक्की कर दी मतु मेहता ने, निश्चय कर दी। पहले क्या होते थे सुनते हम तो देखा नहीं है, ये तो पंडित नहीं देखाते थे वही कर देते थे, अब तो खुद लड़का फीता लेके जाता है, भाई इतनी छोटी है मैं नहीं करता। वो जमाना और था जो माता पिता ने लड़की पसंद कर गई थी, बस बोल नहीं सकते थे, इसलिए कहते जगह सगाई करके वही दिन था उत्तम, वही दिन था उत्तम। जो हरिदास ने मुहूर्त निकाला गुरु मंत्र देने का, और वही पंडित ने मुहूर्त निकाल दिया साथी, वो एक ही दिन का था, जो लेने का नाम सुमरन, गुरु मंत्र लेने के लिए संपदा है उसमें दीक्षा लेने के लिए सतगुरु देवचंद जी महाराज तैयार हो गए हैं, लेने नाम सुमरन, नाम लेने के लिए भद्र वेश होता है, भद्र वेश। अब भद्र वेश होया क्यों, कि जीवन नया जीवन माना जाता, नया जन्म माना जाता, एक जन्म माँ बाप से मिलता है तो हमें संसार का ज्ञान होता है, एक जन्म गुरु के द्वारा माना जाता है जो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। तो हरिदास जी ने कहा बेटा
तुम ये जो बाल है इनको मोट मोट करके लाओ, नए कपड़े पहन के नहा करके आना सवेरे, तो मैं गुरु मंत्र दूंगा। ऐसा कहा है। देवचंद्र जी विचार किया, देवचंद्र क्या विचार करते हैं? हरिदास जी ने क्या पूछा है? तुमको नाम स्मरण देने आज, तुमको नाम स्मरण देने आज, तुम भद्र देव होकर के आ जाओ और आज मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। भद्र देव होकर के आ जाओ, तुम्हारे काज जिसके लिए तुम तड़प रहे हो उसी समय मैं दे दूंगा। तब ही उसी समय नाई के पास गए, मोट मोट करा करके नहा धो के नए कपड़े पहन के और आकर के बैठ गए हरिदास जी के पास में। आए के बैठे पास, आकर के बैठे हैं। पूछा नाम का हो का लिया है, हरिदास जी पूछ रहे हैं बेटा तुम्हें चार साल हो गए भटकते भटकते, तुमने गुरु मंत्र किस किस का लिया है ये बताओ पहले। ऐसा कहा तो सन्यासियों ने कहा था कि हमारा गुरु मंत्र ले लो, हमारे दत्तात्रेय भगवान के अवतार माने गए, उनसे हमारा संप्रदाय चला तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैंने उनका गुरु मंत्र दिया था। ऐसा कहा है। हरिदास जी कहते हैं बेटा ऊपर जो तुम्हें मंत्र दिया था उस मंत्र को तुम क्या करो, एक कागज पे लिख लो, चिट्ठी में लिखकर एक कागज पर मंत्र लिख करके रोटी में चिट्ठी बांध के और वो कागज को गोली बना लो और आटा आटे में पेड़ा में बना के रोटी और रोटी सेंक करके सन्यासी लोग मांगने आते रहते ना उनको दे देना रोटी दाना, वो मंत्र उनके पास चला जाए। ऐसा कह रहे हरिदास जी, सन्यासी को सन्यासियों को रोटी दे दोगे तो उनको मंत्र उनके पास चला जाए। ऐसा कह रहे हैं। सतगुरुदेवचंद जी बोले कि महाराज जी इससे कुछ नहीं होगा, हमें चार साल हो गए रखते रखते इस नाम को, एक बार क्या मैं 10 बार लिख करके दे दूंगा तो हम कोई भूल थोड़ी जाऊंगा, वो तो मुझे याद हो चुका है। ऐसे कहने लगे इससे कुछ नहीं होगा, जो नाम वो झोरा था, अगर वो सन्यासियों को जो नाम था उसमें ज्यादा शक्ति है तो क्यों निकलेगा, और आपका नाम में ज्यादा शक्ति होगी तो अपने आप भाग जाएगा। ऐसे कहने लगे नहीं निकलता, हम देखते हैं ट्रेन में भी जिनका रिजर्वेशन नहीं होता और आकर बैठ जाएगी जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, यही क्या कर लिया भाई कहीं बैठा रहा देर तक बैठ जाऊंगा, तो भाई तो नाम में ज्यादा ताकत होगी तो नहीं निकलेगा और आपके नाम में ज्यादा ताकत होगी तो अपने आप में भाग जाएगा। ऐसा जब सतगुरुदेव चंदी महाराज ने कहा तो आपके नाम में ज्यादा शक्ति है तो अपने आप में भाग जाएगा, अपने आप चला जाएगा। ये तो ऊपर का अर्थ ऊपर का होता है कि भाई ऐसा किसी ऊपर ऐसा करके उतार करके वहाँ दे दो पंडित को दे दो, ऐसा करके खिला दो तुम्हारा पर दूर हो जाएगा, ये तो आम बात है दुनिया की, इससे कुछ नहीं होता। ये काम का मजबूर ये तो दुनिया से करते हैं। सुरे जी बात हरिदास जी सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि देखो कितनी ऊंची बात कही है, हमारे अंदर भी विचार नहीं आया तो उस नाम में ज्यादा ताकत तो कैसे दिख गई और आपके नाम में ज्यादा ताकत वो अपने आप भूल जाएंगे। ऐसे हरिदास जी सुन करके बड़े खुश हुए हैं, अपनी एक सखी मानना, देखो स्वरूप सन्मुख बाकी प्यारी की छवि को निहारो, भजमन कुंज बिहारी ये मंत्र दिया, भजमन श्री कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास, यही सुमरो जल में यही लाखों जल में सुमरो कर विश्वास, भजमन श्री वृंदावन अपने मन से भजन करो, वृंदावन में जो बाकी प्यार लिखाई करी उन लीलाओं को चिंतन करते हुए इनका ध्यान करना है। वृंदावन नित्य विलास, वृंदावन नित्य विलास, जो वृंदावन में आनंद विलास
करने वाले बांके बिहारी उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनका ध्यान करना ऐसा कह रहे हैं। यही रखो अपने दिल में, यही रखो कि जो बांके बिहारी है हमारी आत्मा के प्रीतम यही, किसी को छवि को अपने दिल में बसा और किसी की छवि को ना बसा ऐसा कहने लगे। और फिर विश्वास करके इनका स्मरण करना, इनका भजन करना ऐसा कहते हैं। सखी भाव है भजन, अपने के गोपी समझना, सखी समझना और बाकी बिहारी अपना आत्मा का प्रीतम समझना ऐसा भाव लेकर के सेवा करना, भजन करना, उपदेश करके ये ऐसा उपदेश किया और उपदेश करके आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तू कामयाब हो, तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, आशीर्वाद दे करके विदाई तुम घर को और घर को बिना दे कि जाओ घर जाओ ऐसा कह दिया है। देखा मत तू बेटा जब जब घर में आए तो देखते क्या है फुट मोट, जब घर में आए देखा मोट मोट तो माता पिता को आग लगती कि बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए तैयार किया था, अब ये क्या करके आ गए, लोग क्या कहेंगे हमें कि मोती मैं लड़का ऐसा इस तरह रोता सा नहीं फिर रहा, आज कहीं शादी होनी थी ऐसा करके घर में माता पिता ने देखा उनको बहुत जलन हुई है। ऐसा भद ने देख करके साधु जैसा भेष गले में कंठी है, तिलक लगाए हैं, मोट मोट हैं, देख करके शोर करने लगे थे। अरे तूने कैसा काम किया ये, जो जो तुम्हारी शादी होनी थी तेरे और तूने आज क्या कर लिया, ये तुझे तो श्रृंगार करना चाहिए था, लोग बारात जाते पहले दूल्हा भी देखते कैसा, तो सब तुझे देखेंगे तूने ऐसा भेष बना लिया, रोए करके बड़े परेशान हुए दुखी हुए बना खींचे हैं, देवचंद करके ऐसे वचन कहे हैं। देवचंद जी उत्तर दिया, देवचंद जी ने उत्तर दिया कि तुम कहते हो कि आज सजना था अच्छा दिन था तो तूने क्या कर लिया, अरे अच्छे दिन को तो मैं सजाऊं ऐसे कहा है। तुम क्या दिन चाहते हो, अरे आज से बढ़ के अब दिन हमारे जीवन में कौन अच्छा है, जो हमें ऐसे गुरु की भक्ति मिली उस श्री कृष्ण का भजन मिला उसका नाम मिला और तुम और दिन क्या चाहते हो, और हमने जिससे ब्याह करना था कर दिया क्योंकि ब्याह का मतलब होता संबंध जोड़ना, अरे जिसके साथ संबंध जोड़ना था हमने जोड़ लिया, अब तुम और क्या चाहते हो, उनसे मैंने कर दिया, मैं तो तुमको बचिया मैं तो आपको पहले मना किया था कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसे खटपट में कहकर शादी हो गई, इनकी शादी कर दी गई है, खटपट नित हो, अब रोजाना खटपट होती थी भाई शादी करने कुछ कमाना तो पड़ेगा, और ये जाकर सवेरे उठ करके मंदिर पहुंच जाते हैं। श्री देवचंद जी हरदास जी, सतगुरु देवचंद जी महाराज हरिदास जी की मनसा वाचा कर्म से सेवा करते हैं, सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, चर्चा वाणी सुनते हैं, अपना सारा समय वहीं बिताते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, रहे संगत हरदास जी की, हरदास जी की संगत में रह रहे हो, रात को 12 बजे तक रहते हैं, जब मंदिर में शयन कर लेते हैं हरिदास जी कर देते हैं, उसके बाद देवचंद जी महाराज हरिदास जी के पैर दबाते हैं, पैर दबा कर रात को 12 बजे अपने घर में आते हैं और आकर के फिर 3 घंटे आराम किया, 3 बजे फिर उठ जाते हैं, 3 बजे उठ करके नाद धो करके फिर मंदिर पहुंच जाते हैं, चर्चा कीर्तन में रात को 12 बज जाते थे, गुजारा करते ऐसे गुजारा करते थे, रहे घर अपने और
के 5 बजे तक ये जो मुहूर्त होता है कि ऋषि स्नान माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त मानी जाती है। 3 बजे से 5 बजे तक ऋषि स्नान होता है, 5 बजे से 7 बजे तक मनुष्य स्नान होता है, और 7 बजे के बाद में नहापुर भूत स्नान है। इसलिए कहते 3 बजे उठ जाते थे, 3 बजे उठ करके नहा धो करके और मंदिर पहुंच जाते हैं, हरिदास जी के मंदिर पर दक्षिणा, क्योंकि मंदिर अंदर घर में था, तो मंदिर के घर के चारों तरफ देवचंद जी महाराज परिक्रमा देते रहे। जब तक मंदिर नहीं खुलता था, मंदिर खुलता था सुबह 6 बजे खोलते थे और ये पहुंच जाते थे 3:30 बजे, तो कहते परिक्रमा लगाते रहते थे, बड़ी मेहनत करते थे। तो हरिदास जी एक दिन अपने नवसंका के लिए उठे तो बाहर देखा तो कि हमारे मकान के चारों तरफ घूम रहा है, अंधेरा था, रात्रि थी, 3 बज रहे थे, तो देख के रह गए कि कौन है। नित्य क्रिया के लिए उठे थे, ऊपर से देखा कि हमारे मकान के चारों तरफ घूम रहा है, कौन आदमी है, ये चोर है, बदमाश है, कौन है, हमारे मकान पर चढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों घूम रहा हमारे मकान के चारों तरफ। अंधेरा था, पहचान नहीं आ रही थी, पर हरिदास जी देख के रह गए हैं। रात पिछली पहर एक है, एक और रात रहेगी, जो घर के पीछे बोलो श्री प्रार्थना। हमारे मकान के पीछे पीछे घूम रहा है, ये कौन शख्स है, कहाँ आया, कैसे आया, क्या करना चाहता, ऐसा देखते रहे हरिदास जी। और सतगुरु देवचंद महाराज ने गुरु मंत्र दिया था, उसी को मारा हाथ में ये परिक्रमा लगा के रहे, देख के रह गए, है कौन आदमी, क्या करना चाहता है, ऐसे रह गए वहां पर। हरिदास जी को किया तो हरिदास जी ने टोक दिया कि भाई कौन है, कौन घूम रहा मेरे मकान के चारों तरफ, ऐसा टोक दिया। जब वो कौन हो, देवचंद जी उत्तर दिए, तो देवचंद जी खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ के बोलते क्या कहते हैं, मैं हूँ देवचंद जी, मैं आया हूँ, आवाज पहचान करके जान गए कि देवचंद है, तो दरवाजा खोल करके अंदर घर में बुला लिया। हे देवचंद जी, तुम कैसे आ गए यहाँ, 12 बजे तो तुम यहाँ से गए थे और 3:30 बजे गए, फिर तुम आ गए, कैसे आ गए हो। खोल द्वार घर में लिए, खोल दरवाजा खोल के अंदर बुला लिया। तुम इस वक्त कैसे आ गए हो। तब जवाब देवचंद जी दिया, जवाब देवचंद जी दिया, क्या जवाब दिया है, देवचंद जी महाराज कह रहे हैं हरिदास जी से, आप सुन लो महाराज जी, रात खबर कोई ना रही, यहाँ भी खुद बोले रात खबर कोई ना रही, पता था लेकिन फिर देवचंद जी ने कहा कि महाराज जी मुझे पता नहीं चला कितनी रात हो, अगर तुमको कहते कि नहीं, हम कहेंगे मैं तो 3 बजे रोज आता हूँ, तो गुरु कहते 3 बजे नहीं आना, 6 बजे आना पड़ेगा, तो 6 बजे जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के वचनों को मानना चाहिए ना, नहीं मानना चाहिए, गुरु के वचनों को पालन करना चाहिए। राजा बलि ने अपने गुरु के वचन को पालन तो नहीं किया, राजा बलि ने गुरु के शुक्राचार्य थे, वो कहते थे बेटा दान ना करते, तुम आ जाए, पर राजा बलि ने अपने गुरु के वचनों को पालन नहीं किया। गुरु वचनों को पालन करो, लेकिन उचित वचन को पालन करो, अनुचित वचन कोई भी दे उसको पालन ना करो। अच्छा माँ की बात को तो मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, जिसने जन्म दिया है, पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है, माँ की बात को तो मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए,
तेरे भरत ने केके की बात को क्यों नहीं माना? भरत ने अपनी माँ केके की बात को क्यों नहीं माना कि अनुचित कहते आज्ञा कर उचित वचन को पालन करो, अनुचित वचन को पालन मत करो। मान लो पति आज्ञा देता है, पति तो माननी चाहिए ना, माँ नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए, पर मीरा ने अपने पति के बाद क्यों नहीं मानी थी? चाहे गुरु हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, उचित आज्ञा दे तो पालन करो, और अनुचित आज्ञा देता है तो पालन ना करने में कोई दोष नहीं। तो यहाँ पर हरिदास जी की बात कह लेंगे कि नहीं 3 बजे नहीं 6 बजे आना, तो गुरु की बात को मानना पड़ेगा। इसलिए झूठ बोले कि महाराज जी मुझे रात को पता नहीं चला, मैं सोचा सवेरा होगी इसलिए मैं आ गया, ऐसा कहा है। मैं जानता हूँ क्या दिन, मैं तो सोचा कि सवेरा हो गया इसलिए मैं आ गया। सेवा करे ना जनाब, हाँ सेवा करे ना जनाब, सेवा करते हैं पर तिफानी भी नहीं। अब दिन की सेवा सबके सामने करनी पड़ेगी, पर ये रात की जो परिक्रमा की सेवा थी, भजन की सेवा थी, ये किसी को दिखाने की नहीं। इसलिए सेवा करें ना चला, सेवा करो किसी को दिखाने के लिए नहीं। एक जिसकी सेवा कर रहे वो देख रहा है, दुनिया को क्या देख रहा है। इसलिए गलिया से सेवा करते थे ये अपनी आदत के कारण, अपनी आत्मा कल्याण करने के लिए रात रात पर जागते। जितने संत महात्मा हुए हैं, कितने जाग करके रो करके कितने कितने दुख उठा करके तब अपने प्रीतम को पाया। इसलिए करके अपनी आत्मा के कारण दिखावे नहीं काहू को, दिखाते नहीं थे किसी, दिखाने के लिए नहीं, समझावे अपना मन, अपने मन को शांति देते थे। हरिदास जी सुन करके बोले हाँ भाई गलती हो जाती, कई बार ऐसा हो जाता समय को पता नहीं चलता आदमी गलती उठ जाता, हो सकता गलती हो गई होगी, पर ये तो रोज जाते थे डेली। सही बात है, दूर हो जाती कोई बात नहीं, बेटा अंदर आ जाओ, आओ अंदर आओ, देखो रात को 3 बजे है, ऐसा कहने लगे। ये नित पर दक्षिणा दे वही, रोज ही परिक्रमा लगाते थे 3 बजे जा करके, और दिन की सेवा करे जान, और दिन की सेवा करे जान, दिन की सेवा जान के करते थे। एक दिन हरिदास जी क्या कर रहे थे अंदर मंदिर में, कहते हैं भगवान को वस्त्र पहना रहे थे, बाकी प्यारी किस रस में वस्त्र बदल रहे थे। गुरु कितना प्यारा रहने लगा था कि अपने साथ ही रखते थे, तो हरिदास जी बाकी प्यारी के वस्त्र पहना रहे हैं, श्रीनगर कर रहे हैं, और सदगुरुदेव जी ने मेरे पास बैठकर देख रहे थे कि भगवान को कैसे वस्त्र पहना रहे थे, कैसे हार पहना रहे थे, कैसे मुकुट पहना रहे थे, देख रहे थे बैठे बैठे। आगे श्री देवचंद्र जी और सतगुरु देवचंद जी मान बैठे हैं, देखते हैं बैठे थे खबरदार, बड़े ध्यान से देख रहे थे। तब एक शख्स को उसी समय क्या हो गया, वहीं भुजनगर में एक आदमी को बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया था, बिच्छू ने डंक मार दिया था, इनके आकार में चेतन, इनके आकार में चेतन, इतना जहर छा गया था वो बेहोश हो गया था। तो उसको उठा करके आए हरिदास जी के पास में, ऐसा लगा कि मर गया है, इतना मतलब जहर छा गया शरीर में। चार दिन उसको उठा करके और हरिदास जी के पास लाए हैं, हरिदास जी के पास लाए क्योंकि हरिदास जी जानते थे बिच्छू को मंत्र झाड़ना, इसी वहाँ पर जाए हैं। और सत्य जो संग के और जो साथ में थे सो तो करने लगे पुकार, पुकार करने लगे हैं। आए द्वार में देखा, आए द्वार में देखा, जब बुलाने लगे हरिदास महाराज जी, हरिदास महाराज जी, हरिदास ने सोचा कौन हल्ला मचा रहा, देखे
तो सेवा छोड़ करके दरवाजे के बाहर देखा कि एक आदमी मरा जैसा पड़ा है, चार आदमी पास में खड़े। उन्होंने कहा महाराज जी इसको बिच्छू ने काट दिया है और ये ऐसा हो गया, इसको झाड़ दो इतनी मर जाए। हरिदास जी ने देखा तो हरिदास जी समय में हम सबको जहर चढ़ा हुआ है, उसको बिच्छू भी जहर चढ़ा हुआ था। अरे हमें तो बिच्छू से जाना कालिया नाम का जहर चढ़ा हुआ है। और स्वामी जी पानी कहते हैं जहर उतारने साज का तीन न्याय प्रार्थम, सब जी की औषधि प्रकाश है खसम। हमें भी माया का जहर चढ़ा हुआ है, इसे जहर उतारने के लिए सबको प्रार्थम देख रहे हैं। तो हरिदास जी मंत्र जानते थे बिच्छू का, इसलिए उसको झाड़ दिया। अब हमें बिच्छू का जहर नहीं चढ़ा, हमें जहर माया का चढ़ा हुआ है, इसलिए माया के जहर उतारने के लिए तारतम ही काम करेगा, बिच्छू को मंत्र काम नहीं करेगा। स्वामी कहते हैं ना गुणवंता गावनी जहर तेनी तेड़ के झाड़, जैसा जहर चढ़ा होगा वैसे झाड़ने वाला होगा तो जहर उतरेगा। सामने काट लिया बिच्छू मंत्र से झाड़ोगे उतरेगा नहीं। इसीलिए हमें भी जहर चढ़ा हुआ माया तो राजी मारा सब को मारा तातम लेकर के आए। तो हरिदास जी ने क्या किया, मूछो पर हाथ किया और मंत्र पढ़ रहे थे, उसको पर फूंक मार रहे थे। वो हरिदास जी समय में मूछो पर हाथ फेर करके फूंक मारते हैं, उसी समय उसको आराम हुआ है। फिर दूसरी बेर मूछो पर हाथ फेर के मंत्र पढ़ के फूंक मार के उसके अंदर जब फिर मूछो पर फेरा है आकार चेतन हो गया। जब मंत्र का असर हुआ जहर खत्म हुआ तो वो एकदम खड़ा हो गया, जो मरा जैसा उठा के लाए थे वो खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया है। तीसरी बेर फिर मूछो पर हाथ फेरा हरिदास ने और मंत्र पढ़ कर उसको फूंक मारते हैं तो वो मंत्र असर नहीं कर रहा, जोर नहीं लगा क्योंकि जहर नहीं रहा उसके अंदर। जब सब जहर उतर गया उसका सबने दंडवत किया, दुआ सलाम करी कि महाराज आप बड़े परोपकारी पुरुष हैं, अगर आप ना होते तो ये पछताते, ऐसे सब बड़ी बड़ाई करके और चले गए। सबने सलाम करे, सबने दुआ सलाम करके अस्तुत करी बनाए, बड़ी तारीफ भी करी हरिदास जी की। जीव दान तुमने दिया, जीव दान तुमने दिया महाराज जी, बड़े परोपकारी पुरुष हैं आप, आपने इसको जीवन दान दे दिया, नहीं थी थोड़ी देर ना और आते थे मर जाता। तुम्हारी बड़ाई कहीं ना जाए, आपकी बड़ाई की कितनी कितनी थोड़ी है। तब हरिदास जी ने कहिया वो लोग चले गए सब। फिर हरिदास जी सेवा में लग गए जा करके। अब हरिदास जी देवचंद जी से कहते हैं कि हे देवचंद जी, देवचंद जी से क्या कह रहे हैं हरिदास जी, देवचंद जी बड़ा मंत्र है। हे देवचंद जी बेटा ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसको आप याद कर लो, मैं आपको याद करा दूं। हमारे इतने हजारों से हैं, मैंने किसी को नहीं कहा कि मंत्र याद करो, लेकिन मैं आपको कहता हूं इस मंत्र को आप याद कर लो, हम नहीं होंगे तो किसी का परोपकार तो कर दोगे, ऐसे कहने लगे हैं। ये राखो तुम्हारे तन, ये तुम याद कर लो, मैं इसकी विधि बता दूं कैसे झाड़ना होता है, वो तुम रख लो। जो एक घड़ी फुर्सत, अगर हमें एक घड़ी फुर्सत ना होती मैं कहीं और काम में लगे होते तो ये बचने वाला नहीं था। ना होती मंत्र कहने में, मंत्र कहने में अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती कहीं और काम में होते तो ये बचता नहीं। तो प्राण न रहते इनके, इसके प्राण नहीं रहती मर जाता। होता जो कारी से, ऐसा उपकार होता इस मंत्र से, इसलिए तुम इस मंत्र को याद कर लो। तब श्री देवचंद जी ने कहा, हाथ जोड़ करके सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं कि महाराज जी जो आप कहते हो बिल्कुल सत वचन है, पर आप मेरी सुन लो। हरदास जी सुनो तुम, कहा महाराज जी आप सुन लो हमारे विचार में, हमको मंत्र जो तुम दियो, हमको जो आपने मंत्र दिया था, कौन सा दिया था मंत्र,
मैं भूल जाता हूँ करके जो तुमने मंत्र दिया है वो महाराज जी मंत्र कैसा है तो महाराज जी मैंने रोम रोम में बसा दिया। अब इस मंत्र की मेरे पास जगह ही नहीं। कबीरदास जी कहते ना कबीरा कादर रेखा हुआ तो दही में जाए। कबीरदास जी कहते हमारे आंखों में इतनी जगह नहीं है जो मैं कादर भी लगा सकता। कबीरा कादर रेखा हुआ अब तो दही में जाए नैन प्रीतम रब रहा दूजा कहां संभाले। हमारी आंखों में हमारा प्रीतम बसा हुआ है इतनी जगह नहीं जो मैं कादर भी लगा सकता। सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं कि महाराज जी जो आपने मुझे मंत्र दिया है मैंने अपने रोम रोम में बसा दिया। अब ये मंत्र आप कह रहे इसको मैं कहां रखूं मेरे पास जगह ही नहीं है ऐसे कहने लगे हैं। और ये मंत्र कैसा है जब आपने मंत्र दिया था तो आपने कहा था कि बेटा लाख में छुपे तो दूर करने वाला ये मंत्र है। जब जीव संसार में जन्म लेता है उस जीव को इतनी वेदना होती है एक लाख बिच्छू डंक मारने इतना उसको कष्ट होता है। उस जीव को जब संसार में आता है और जब दुनिया से जाता है तब लाख बिच्छू का दुख होता है और उन दुखों से छुड़ाने के लिए ये श्री कृष्ण नाम की महिमा जो है ये श्री कृष्ण जो मंत्र नाम है लाखों बिच्छू का दुख दूर करता है। हमने कल भी कहा था जो कबीरदास ने कहा था एक श्री कृष्ण नाम को रट लो किसी और नाम की जरूरत ही नहीं। इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण की भक्ति वो भी मौन अनादि अक्षरा थी। इसलिए महाराज जी आपने जो मंत्र हमें दिया है वो कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख। ये जीव जब दुनिया से जाता है तब एक लाख बिच्छू डंक मार के उतना दुख जिसको होगा उतना उसको होता जब इस शरीर से प्राण निकलते जन्म और मरण। और ये आपने जो मंत्र दिया है कि जन्म मरण से छुड़ाने वाला है। जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा है। कोई कितना भी दुनिया में सुखी हो अगर मरण जन्म के चक्कर में है तो भी दुखी है। सबसे बड़ा दुख ये है छुड़ाए के देवे सुख। ये जन्म मन से छुड़ा करके सुख देता है नहीं तो ये पुनरप जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटला से बार बार जन्म लो बार बार मरो बार बार माता के गर्भ में जाना पड़े। इसे छुड़ाने के लिए एक श्री कृष्ण ही नाम है। तो वो जो आपने मुझे मंत्र दिया है वो कैसा है तो वो हम मन में अपने बसा दी वो महाराज उस मंत्र को मैंने रोम रोम में बसाया है ऐसा कहने लगे। ये कैसे समा इसलिए महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक बिच्छू का मंत्र मैं नहीं ले पाऊंगा मेरी जगह नहीं है। हमने तुम्हारा दिया हुआ मंत्र उस बाक्य बिहारी श्री कृष्ण का नाम रोम रोम में बसाया है तो ये कैसे समा है। तब हरिदास जी बड़े खुश हुए बोले हे देवचंद जी मैं भी 60 साल का होने आया पर ये विचार हमारे मन अभी तक नहीं आया कि ये जो श्री कृष्ण नाम की महिमा है इस श्री कृष्ण नाम का जो मंत्र है ये तो लाखों का करोड़ों बिच्छू का दुख दूर करने वाला। बड़े प्रसन्न हुए बड़े लीजिए सतगुरु देवचंद महाराज पर हाथ मेरा पुछा था कि बेटा जो तुम्हारे अंदर बुद्धि हो हमारे अंदर नहीं ऐसे कहने लगे। शिफत करी बनाया शिफत में भी बड़ी बड़ाई करी देवचंद जी की हरिदास जी ने हे देवचंद जी हे बुद्ध हे देवचंद जी ये बुद्धि हमारे अंदर नहीं क्योंकि सतगुरु देवचंद जी मानते क्या है जागत बुद्धि बैठी हुई है परम धाम की बुद्धि है। इसलिए कहने हे देवचंद जी ये बुद्धि तो हमारे अंदर जरा मात्र भी नहीं कभी विचार आया हमें नहीं लगा हमारे अंदर जरा से विचार
पहचान दिया इस बात को, जो तुम कहते हो, जो तुम कहते बेटा सही बात है ये, तो हम में नहीं विचार, हमारे अंदर ये विचार कभी नहीं आए ऐसे, इन भारत कहीं भी तक इस प्रकार से कई बातें भुज में कर दी सतगुरु देव जी महाराज के साथ घटी है भाई मारे भुज नगर की सेवा करते हर प्रकार से मन से वचनों से सबसे पालन करते पढ़े खबर किसी को खबर नहीं पड़ती थी जिनकी सेवा सबके सामने करनी पड़ती थी सबसे साथे थे पर रात की जो सेवा थी वो कोई नहीं जान पाता था इसलिए स्वामी ने कहा छुपके साहिब कीजे याद खासर खास नजी की स्वाद बड़ी दुआ माए छुपके प्यार सब दिलों से करे छुपा छुपके का तो बंदगी के पोच अंदर दे राम साहिब दिल की जाएगी लोग क्यों की थी गवा ये जो भजन पूजा पाठ की सेवा है दिखाने की नहीं होती छुपके करी करते इसलिए करके ऐसे जो सेवा करते हैं देव चंद महाराज एक दिन फिरते घर को और एक दिन फिरते घर को क्योंकि रोटी खाते थे 3 बजे तो एक दिन फिर देख लिया है देखे जलो के पद बस देखा जान गए कि देव चंद है वही घूम रहा चाहता था क्योंकि रात कभी नींद नहीं आती थी उनको एक लगन लगी थी कि कब प्राप्ति होगी कब परमात्मा की प्राप्ति होगी और रात कभी नींद नहीं आती है देखा देव चंद जी को फिरते शत्रु देव चंद जी को देख लिया कि फिर परिक्रमा लगा रहे हो लाए ले ऊपर ऊपर बुला लिया देव चंद जी को कि देव चंद जी ऊपर आ जाओ मैं जाना तुम एक दिन मैं जाना तुम एक दिन मैं तो सोचा था कि एक दिन तुम गलती से आए लेकिन अब पता चला कि तुम रोज आते रोज आकर के परिक्रमा लगाते हो ये सेवा हमारे से सही नहीं होती है भूल के रात को आए भूल करके आ गए आपको ये तो नित फलत हो तुम तो रोजाना परिक्रमा लगाते हो इतनी सर्दी पड़ती कड़ाके की और ऐसी सर्दी में नंगे पैर तुम आके परिक्रमा लगाते हो बेटा तुम मेरे से क्या मांगना चाहते हो क्या तुम्हारी इच्छा है मुझे बता दो इतनी रात को सर्दी में और परिक्रमा लगाते हो आकर के तुमने मेरी मेहनत सही न जाए आनंद जिस प्रकार से तुम्हारी आत्मा में आनंद मिले तुम सुखी रहो
ऐसा अपने घर में ले जाना। तब देवचंद जी ने कहा, तब देवचंद जी क्या कहा, जो आज्ञा तुम्हारी हो महाराज जी, जो आपकी आज्ञा हो मैं पालन करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा जैसा आपका हुक्म वैसी मैं करूंगा, वही हमें करनी वही हम करेंगे, हम सेवा करेंगे। श्री महावत कहे ये साथ जी, परमहंस नारदास महाराज कहते हे प्यारे सुंदर साहब जी, ये भी तक भोज नगर, ये कच्छ में भोज नगर शहर है, वहाँ की बात आपको बताई जा रही, आगे इनके और कहो, आगे इनके और कहो, आगे आपको कल सुनना, आज प्रकरण यही पूरा करूंगा, कल सुंदर साहब जी हो सकता घुंगरी का भी भोग आ जाए। तो प्रकरण यही पूरा करता हूँ और शंकर सर जी हमारे यानी शर्मा जी जय गोपाल जी बोल रहे थे, किसी शंकर सर की फोन आया है, एक बार मेल सागर करना, तो प्रकरण ये पूरा करके और उसके बाद मेल सागर एक बोल रहे थे। बोलो श्री प्रणाम और प्यारे Yeah.
Yeah.
कर्ण घुंगरी का भोग आएगा, सभी लोग राज्य महाराज के लिए अपने घुंगरी के भोग ले आए, मिठाई ले आए, कुछ भी ले आए, कर्ण भोग लगेगा घुंगरी का, सभी लोग अपने अपने घर से जो श्रद्धा भावना को लेकर के स्वामी की जय श्री प्राणनाथ भजोरे स्वामी प्राणनाथ भजोरे स्वामी की समस्त गुण प्रसाद की प्रणाम।